आप सभी को चयन चाहिए कि प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ये बहुत ज़रूरी वचन है आप सभी के लिए, ताकि आप लोग किसी प्रकार के फंदे में ना पड़ो, ताकि आप लोगों की कोई आशीष ना जाए। ये आप ही के लिए भला है। अगर समय निकालोगे तो आशीष भी आप ही को मिलेगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मेरा फ़र्ज है जो प्रभु ने कहा है, जो प्रभु ने सिखाया है, जो प्रभु ने बोला है, वो बोलना है तो है। तो इसमें आपका चुनाव है, चाहे आप करो या ना करो, वो आपकी करनी आपके साथ है। लेकिन मेरा फ़र्ज़ है जो मुझे कहा है वो कहा जाएगा। तो बात सारी ये है, आज बहुत से लोगों ने अपनी कमिटमेंट्स के द्वारा अपनी बहुत बड़ी बड़ी आशीषों को रोक रखा है। कमिटमेंट किस प्रकार की? पहले मैं वचन बता देता हूँ, प्रभु का आत्मा क्या कहता है। आज प्रभु का आत्मा कहता है कि जो भी व्यक्ति किसी बात की कोई भी मन्नत मांगकर अगर पूछ पाछ करता है तो वो फंदे में पड़ता है। प्रभु का वचन कहता है अगर तू मन्नत को मांग रहा है, अगर तू पूरी नहीं कर रहा, तो इसे तो मन्नत का ना मांगना ही अच्छा है। और यह भी लिखा है कि जो बार बार समझाए जाने पर भी हट करता है, वह अचानक नष्ट हो जाएगा। और यह भी लिखा है कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना भर दे, तब तक तू इस जहाँ से छूटने ना पाएगा। और दूसरा यह भी लिखा है कि तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। क्यों? क्योंकि तू अपनी बातों का फल, तू अपने शब्दों का फल भोगेगा। और यह भी लिखा है कि झूठों से यहोवा घृणा करता है। तो सोच कर देख लो कितनी सारी आज्ञाएं हमने तोड़ी हैं कमिटमेंट्स करने के द्वारा। उदाहरण के तौर पर आपको अपनी कमिटमेंट्स याद आ जाएंगे। देखो इन बातों को ध्यान से सुनना, भले ही अगर याद भी नहीं है तो प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे याद दिला, और दूसरा प्रभु उन कमिटमेंट्स को पूरा करने का मुझे अनुग्रह दे। मैं कर्जदार नहीं होना चाहती किसी का, या नहीं होना चाहता। प्रभु जो मैंने बोला है उसको मुझे करने का अनुग्रह दे, जो भला है वो मैं करूँ, जो मैंने मन्नत मांगी है उसको मैं पूरा करने पाऊँ। मुझे अनुग्रह दे, मुझे बुद्धि ज्ञान और समझ दे, मेरे लिए मुहैया कर, प्रभु करेगा। लेकिन आपने हल्के में छोड़ दिया तो ये तो अपनी आशीषों को गंवाने वाली बात है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है, जैसे कई बार हम अपने दोस्तों में, फ्रेंडशिप, रिलेटिव, रिलेशंस में ऐसी कमिटमेंट्स कर बैठते हैं कि पापा मैं आपको ये दिलाऊंगा, मम्मी मैं आपको ये दिलाऊंगा, मैं आपको ये खरीद के दूंगा, वो खरीद के दूंगा, कमिटमेंट्स कर दी। ये भी कमिटमेंट है कि प्रभु कि पापा मैं ना आपको पेंट जरूर दिलाऊंगा, चिंता ना करो मैं दिलाऊंगा, आपका बेटा दिलाएगा। हमने बोल तो दिया कमिटमेंट्स, लेकिन अपनी मुंह की बात को हमने बोल तो दिया कमिटमेंट, उनसे वादा कर दिया, प्रॉमिस कर दिया, लेकिन उनको नहीं दिलाया। इसमें झूठे बन गए हम, और झूठों से परमेश्वर नफरत करता है। और दूसरा, जैसे कोई दोस्त की बर्थडे पार्टी वगैरह है या किसी प्रकार कोई भी सेलिब्रेशन है, तो उसमें हम बोल रहे हैं कि तेरा गिफ्ट मुझ पर उधार रहा, मतलब अपने आप को सामने वाले का कर्जा बना रहे हैं। चाहे भले ही नहीं है तो हाथ खड़ा करके कह सकते हैं सॉरी भाई मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए कुछ नहीं ला सका। एक टाइम पे वो वाली बात, सबके सामने झुकना या वो सॉरी बोलना या उस समय चुप्पी लगा कर रहना या बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिहेव करना, वो चीज आपको बचा सकती है। लेकिन जैसे ही अगर आपके मुंह से ये निकल रहा है कि तेरा गिफ्ट मुझ पर उधार रहा, या भाई मैं तेरे हिस्से की पार्टी दूंगा, या मैं तुझे गिफ्ट दूंगा, या मैं तुझे ब्लेस करूंगा, लेकिन हमने नहीं करा, तो कर्जदार हो गए मेरे भाई और बहनों। और प्रभु ने कहा है कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना भर देगा तो तू इस जहां से छूटने ना पाएगा। हम आजाद कैसे हो सकेंगे फिर? क्यों? क्योंकि ये कर्जदार हैं मेरे भाई और बहनों, हमारा ये कर्जा चुकाना जरूरी है। तो इसीलिए जैसे कई बार कमिटमेंट्स करते हैं हम खुदा के भवन को लेकर कि प्रभु मैं तेरे भवन में ये करवा दूंगा, मेरा ये काम बन जाए, मेरे नौकरी का, बिजनेस का, रिलेटिव रिलेशंस का, शादी ब्याह का, या किसी प्रकार की जो भी प्रॉपर्टी है प्रभु ये काम हो जाए, चेक का काम हो जाए, प्रभु मैं तेरे भवन में इतना दूंगा, उतना दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, लाइट लगा दूंगा, मैट बिछा दूंगा, बहुत सारी बात, सौ बातें हम दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की कमिटमेंट्स, दोस्तों से मिनट में हंसने खेलने में, बातचीत करने में, मजाक में, प्रभु के भवन में या बाहर किसी भी तरीके से किसी भी विषय में, कितनी भी बातों को लेकर हमें ना कमिटमेंट्स कर बैठते हैं। और हमें ये बातें मजाक में भी नहीं करनी है, इन बातों का हमें खासकर ध्यान रखना है। देखो मजाक की वे ऑफ टॉकिंग अलग होती है, लेकिन जब हम सीरियस इन चीज़ों को लेकर बोलते हैं तो वो बात अलग पड़ जाती है। देखो अगर हम सीरियस बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, जैसे किसी का, जैसे आपका बर्थडे है और मैंने आपसे बोल दिया कि भाई सिस्टर ब्रदर आपका बर्थडे मेरे पर उधार रहा, अभी मैं कुछ लेकर नहीं आया, लेकिन आप चिंता मत करो, आपका बर्थडे मुझ पर उधार रहा, आपका बर्थडे का गिफ्ट मैं आपको दूंगा, आपके बर्थडे का गिफ्ट मुझ पर उधार रहा, आपके बर्थडे का गिफ्ट मैं आपको दूंगा, ये मैंने सीरियस कंडीशन में बोल दिया, तो डेफिनेटली ये सीरियस बात है, इसमें कोई मजाक की बात नहीं है। बर्थडे के टाइम पे गिफ्ट दिया जाता है और गिफ्ट मैंने बोल दिया कि आपका गिफ्ट मुझ पर उधार रहा, लेकिन मैंने ना तो बाद में दिया और वरन मैं भूल भी गया, चाहे भले ही याद भी आए तब भी नहीं दिया, तो मैं कर्जदार हो गया। तो इस बात के कारण मैं अपनी कई आशीषों को रोक सकता हूँ, इसमें बार बार मैं खुदा पर दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने अपनी मुंह की बातों के फल के द्वारा फंसा हूँ। क्योंकि साफ लिखा है तू अपनी मुंह की बातों का फल खाएगा, और दूसरा मेरे भाई और बहनों साफ लिखा है कि देख
तेरी बात हाँ की हाँ हो या ना की ना हो, जो इससे ज्यादा होता है वो अपराध होता है, और जहां पर बातें ज्यादा होती है वहां पर अपराध भी ज्यादा होते हैं। और लिखा है तू अपनी समझ का सारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और यह भी लिखा है जब तुझे समझ नहीं आ रहा है तो अपनी जुबान पर नियंत्रण कर। और यह भी लिखा है जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। और यह भी लिखा है कि बिना सोच विचार का बोलना तलवार का सा पहना लगता है। कई बार हम बोल देते हैं लेकिन उन बोलने के द्वारा जब उन बातों को जो उन भली बातों को जब हम कमिटमेंट्स करते हैं और जब उनको हम पूरा नहीं करते तो इसके द्वारा रिश्ते नातों पर भी बहुत गंदा असर पड़ता है कि उसने बोला था उसने दिया नहीं, इसने बोला था करवाने के लिए परमेश्वर के भवन में लेकिन हुआ नहीं। और दूसरा तीसरी बात मतलब इसमें इंसान अपना ही नुकसान करता है, इसमें सामने वाले का 1% भी नुकसान नहीं है। सामने वाला तो अपने घर में खा पी रहा है लेकिन हमने अपनी जुबान के द्वारा अपने आप को सामने वाले का कर्जदार बना लिया। इसीलिए मेरे भाई और बहनों इन बातों का खासकर ध्यान रखना, क्योंकि परमेश्वर ने साफ मन्नत मांगने को लेकर साफ बता रखा है, लिखा है कि जब मन्नत मांगकर तुम पूछपाछ करते हो तो तुम फंदे में पड़ते हो। मन्नत मांगकर इंसान अगर पूछपाछ करता है तो फंदे में पड़ता है, लेकिन अगर तुम मन्नत मांगकर अगर तुम उसको पूरी नहीं करते तो ऐसा लिखा है कि मन्नत को ना मांगना ही अच्छा है। तुम्हारे लिए ये भला है कि तुम मन्नत को मांगो ही मत, ताकि तुम फंदे में ना पड़ो, ताकि तुम किसी प्रकार के कर्जदार ना बनो। इसलिए प्रभु आज बता रहा है, क्योंकि हम हंसी ठट्ठे में मजाक मजाक में दोस्तों से फ्रेंडशिप रिलेटिव रिलेशंस में या घर में परिवार में या अपने हस्बैंड तक किसी से भी या अपनी वाइफ से हम कई बार किसी न किसी बात को लेकर कमिटमेंट्स कर देते हैं। कि जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे कोई परमेश्वर के दास हैं, या आप परमेश्वर के दास हो या दासी हो, आप परमेश्वर के बहुत अच्छे अभिषिक्त हो और आपने मुझे कोई प्रेयर रिक्वेस्ट दिया, या मैंने आपके बारे में कुछ जान लिया कुछ सुन लिया, या मैं बहुत जोश में आ गया आपसे मिलकर तो मैंने आपके बारे में बोल दिया कि ब्रदर सिस्टर आपके लिए ना मैं प्रार्थना में रखूंगा, मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूंगा, लेकिन मैंने एक दिले की भी प्रार्थना नहीं करी तो मैं कर्जदार हो गया, मैंने झूठा बन गया। और मैंने जो कमिटमेंट परमेश्वर के दास से मतलब आप लोगों से कमिटमेंट की थी तो उस कमिटमेंट को मैंने तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैंने आपके लिए प्रार्थना की ही नहीं। इसीलिए ना तो उतावली में बोलो और ना तो अपने जुबान को किसी ऐसी बात के लिए दो। इसीलिए इन बातों को सोच विचार कर बोलना जरूरी है। भले ही नहीं हो रहा है तो चुप्पी लगा लो, चाहे चार बार सहनी पड़े, अगर अपने वश में हो सके तो ही बोलना, तो भी सोच विचार कर बोलना, ताकि आपकी जुबान आपको फंसा ना दे और कहीं आपकी जुबान आपको गिरा ना दे, कहीं आपकी जुबान आपको घेर ना ले, कहीं आपकी जुबान के द्वारा कहीं सामने वाला ना तो कहीं आपके विरोध में ना हो जाए, कहीं आपकी जुबान के द्वारा आपकी कोई आशीष ना रुक जाए। इसीलिए इन बातों का खासकर ध्यान रखना कि जब भी आप मन्नत मांग रहे हो या कमिटमेंट्स करिए या करोगे या कर रहे हो तो उनको पूरा करने के लिए भी याद रखना, या तो कहीं लिख कर रखो, या तो अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है या जो भूल गए थे या जो याद आ रही है तो प्रभु से उस बात को पूरा करने के लिए याद दिलाने के लिए प्रभु की पवित्र आत्मा की मदद मांगो कि पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाना, मैं अपने आप से नहीं कर सकता, मेरी मदद सहायता करना और जो कमिटमेंट्स मैंने किए उसको पूरा करने में मेरी मदद सहायता करो, चाहे वो धन को लेकर चाहे वो किसी तरीके से है। ठीक है मेरे भाई और बहनों, इन बातों का खासकर ध्यान रखना। अगर आप चाहते हो कि आपकी आशीषें खुलें तो इन कामों को करना शुरू करो, पवित्र आत्मा की मदद मांगो, अगुवाई मांगो, प्रभु का आत्मा आपको ज़रूर गाइड करेगा। और सोच विचार कर कमिटमेंट्स करना, क्योंकि छोटी बात नहीं है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। हम लोगों ने वचन की बात को वचन की गहराई को नहीं सीखा है, इसलिए हम लोग अपनी आशीषों को खोते थे, इसलिए हम ठोकर खाते थे। और वचन की गहराई को सीखने के लिए हमें संगति में आना जरूरी है। आज हमें संगति के लिए समय नहीं है, जब ही हम ठोकर खाते खाते फिर रहे थे और जब सब जगह अपना ईडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा के अपना सब कुछ खोने गंवाने के बाद जब हम आंसू मासू में होते हैं, जब रोते पीटते हैं ना, जब कलपते हैं, जब खुदा के पास आते हैं तब बोलते हैं कि खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। खुदा तो एक ही बात बोलता है, क्यों? क्योंकि तू मेरी संगति में नहीं है। अगर संगति में होता तो तुझे पता चलता कि तुझे कैसे चलना है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किस समय किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीजों से तुझे बचकर रहना, किन चीजों के साथ तुझे संगति करनी है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या खाना है, क्या समझना है, क्या समझाना है। एक एक बात हमें संगति में सीखने के लिए मिलती है। जैसे एक छोटे से बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है ताकि वो हर प्रकार के अंडरस्टैंडिंग को रखे कि किस समय कौन सी बुक पढ़नी है, किन क्वेश्चन का आंसर क्या है और किस प्रकार से वो पास हो सकता है उन परीक्षाओं के अंदर, किस प्रकार से वो आगे अच्छी जॉब पा सकता है, किस प्रकार से उसकी लाइफ सेट हो सकती है, किस प्रकार से वो सब प्रकार की समस्याओं से बच सकता है, किस प्रकार उसको कब दिमाग चलाना चाहिए, कब भागना चाहिए, कब बचना चाहिए, कब सीखना चाहिए, कब सिखाना चाहिए, सारी बातें स्कूल में सिखाई जाती है। तो उसी प्रकार से परमेश्वर का भवन भी है, लेकिन हम अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ा मार लेते हैं। हम अपना समय संसारिक कामों में लगाकर खुदा से दूर होकर
अपने आप को संसार में इतना लिप्त कर लेते हैं कि जो समय हमारा सीखने का होता है ना, उस समय को संसार के कामों में, दुनिया भी टीवी सीरियल्स फोटोज वीडियोस एल्बम्स दुनिया भी रिलेटिव रिलेशंस में लगाकर अपनी अच्छी बोली जिंदगी को खराब होने की कगार पर ले आते हैं। लेकिन जब सब कुछ खत्म होने वाला होता है ना, तो जो समय हमने अपना संसार में दूसरों को खुश करने के लिए लगाया, तब उनमें से कोई भी काम नहीं आता, तब सब हाथ झाड़कर दूर हो जाते हैं। लेकिन उस समय घुटने टिकाकर हम लास्ट में खुदा के पास ही आते हैं, खुदा 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 यीशु प्रभु पिता परमेश्वर चिल्ला चिल्ला के उसके पास आते हैं। हम पहले समझ में नहीं आता हमें कि हमें प्रभु के पास आना चाहिए, संगति करनी चाहिए, कि इन इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आगे चलते समय आगे जिंदगी में कुछ भी ऐसी परिस्थितियां आ सकती है, तो उन समय में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वचन क्या बताता है, हम वचन के विरुद्ध में कहीं तो जा तो नहीं रहे, कहीं आशीष तो नहीं खो सकती इससे, हमें इन बातों पर कभी हमने फोकस करने की कोशिश करी ही नहीं है। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मेरी उपस्थिति में आए तो सावधानी से चलना, और प्रभु का वचन कहता है कि दिन बुरे हैं इसलिए याव बांध और मेरे संग और साथ चल, क्योंकि लिखा है जो जो तुम परमेश्वर के दिन को नजदीक आता हुआ देखो त्यों त्यों परमेश्वर की संगति में इकट्ठा होना और शुरू कर दो, मत छोड़ो, इकट्ठा हुआ करो ताकि हम परमेश्वर का ज्ञान रखें और याव बांधकर बड़े बड़े काम करें। और दूसरा यह भी लिखा है कि जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो याव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखा, तो साफ लिखा है कि मेरा ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी। अब आपको क्या बनना है? ज्ञान रखने वाला बनना है तो संगति में आना होगा, संगति में जुड़ना होगा, परमेश्वर की उपस्थिति में आना होगा, भवन में आना होगा, वचन को सुनना समझना सीखना होगा, उसके अनुसार चलना होगा, अपना क्रूस उठाना होगा, संसार को छोड़कर परमेश्वर को पहला स्थान देना होगा, सैक्रिफाइस करना होगा। और दूसरा कि नाश होने वाली प्रजा बनना है, ये आपके हाथ में चुनाव है। नाश होने वाली प्रजा के बारे में तो आप समझ ही सकते हो, अपने सारी इच्छा को पूरा करो, खुदा के भवन के लिए टाइम मिले या ना मिले, जो करना है वो करो, वो आपकी मर्जी है, ये आपका चुनाव है। और दूसरा लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, और खुदा साफ कहता है तुझे मौका दिया, सांसें दी, तुझे टाइम दिया, पैसा दिया, एनर्जी दी, तुझे बल हिम्मत हियाब दिया, तुझे तीनों वक्त का समय का खाना दिया, प्रभु हिसाब मांगता है मेरे भाई और बहनों, मैंने तुझे सब दिया, तूने मुझे क्या दिया, तूने कितनों को सुसमाचार सुनाया, तूने कितना वचन पढ़ा, कितना आराधना करी, कितना प्रार्थना करी, तूने अपने समय का दसवां हिस्सा कितना मुझे दिया, जो तू मुझसे आज जिंदगी की आशीष मांग रहा है कि मुझे प्रभु सांसें लौटा दे, मुझे चंगा कर दे, आशीष दे दे, बरकत दे दे, कैसे दे सकता हूं मैं तुझे, मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूं, जब तुझे जरूरत थी तो तू मेरे पास से होकर चला गया, और जब तुझे जरूरत नहीं थी तो तूने मुझे छोड़ दिया, जब तुझे जरूरत थी तूने मुझे पुकार लिया, आशीष पा लिया और छोड़ दिया, लेकिन जब तुझे जरूरत पड़ रही है तो उस समय तू मुझे पुकार रहा है, लेकिन जब तुझे जरूरत नहीं है तो मुझे भूल गया। अब देख जैसा तूने बोया है, अब परमेश्वर का वचन साफ कहता है जो इंसान बोता है वो काटता है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, हमें खुदा को एटीएम के इस तरह इस्तेमाल नहीं करना है। अब तक जो गलती होगी क्षमा मांगकर आगे बढ़ो और अपनी कमिटमेंट्स का ध्यान रखो। अगर याद नहीं है तो पवित्र आत्मा की मदद मांगो, पूरा करने के लिए भी पवित्र आत्मा की मदद मांगो, क्योंकि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, जो हमें सामर्थ्य देता है हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।